हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने वाली हूँ समोसा। और ये खाने में सभी को बहुत पसंद आता है। और ये देखिए, बहुत ही अच्छा हमारा समोसा बनके एकदम से रेडी हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। 1 कप मैदा ले लिया है मैंने। इसमें मैं 1 चम्मच अजवाइन, इसको क्रश करके डाल दूंगी। हल्का सा हाथ से रब कर लेंगे। इसमें आधा टीस्पून मैं नमक डाल दूंगी। मैं 2 चम्मच घी डाल दूंगी इसमें। आप बटर और ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। घी से मोइन करने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। इसको मैं बहुत अच्छे से आपस में आटे के साथ मिला लूँगी। बिल्कुल इसी तरीके से इसका हम टाइट डो बनाना है। ये बाइंडिंग के फॉर्म में आना चाहिए मोइंग करने पर। देखिए, बाइंडिंग के फॉर्म में आ गया है। अब मैं इसको पानी डाल के टाइट आटा गूँथ लूँगी। इसका आटा एकदम टाइट ही गूंथना है। देखिए, मैंने टाइट आटा गूंथ के रेडी कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से हमको आटा इसका लगाना है। अब मैं इसको कवर करके 20 मिनट के लिए रख दूंगी। आटा हमारा सेट हो जाएगा। मैंने कवर कर दिया है, 20 मिनट के लिए इसको रख देंगे, ये सेट हो जाएगा। चलिए फिर आलू की स्टफिंग रेडी करते हैं। तब तक एक पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दूंगी। जीरा हमारा क्रैक करने लगा है। अब मैं 3 से 4 हरी मिर्ची डाल दूंगी। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं 1 इंच अदरक को ग्रेट करके ले लिया है। इन सबको मिला लेंगे अच्छे से। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। अब मैं इसमें रेड चिल्ली पाउडर डाल दूंगी। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा तीखा कर सकते हैं। अगर आप रेड चिल्ली पाउडर नहीं खाते हैं तो आप उसको अवॉइड कर दीजिएगा। आधा चम्मच मैं हल्दी डाल दी। इन सबको मिला लेंगे अच्छे से। अब मैंने 3 मीडियम साइज के आलू बॉयल कर लिए हैं, इसको रफली मैश कर लिया है, वो डाल दूंगी। और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से इस आलू की स्टफिंग में ज़्यादा हमें मसालों की ज़रूरत नहीं होती है। 1 कप मटर डाल दूंगी। इन सभी को अच्छे से मिला लेंगे। और ये काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। इस फेस्टिवल मीठे के साथ कुछ नमकीन भी खाइए। और मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा। आलू को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसको कवर करके 2 मिनट के लिए ढक दूंगी। 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें धनिया और सौंफ को ड्राई रोस्ट कर लिया था, उसको मैं डाल दूंगी। ये धनिया और सौंफ है। और मैं इसमें 1 चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल दूंगी। इसको डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और ये चाट मसाला है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर है तो आप उसको भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास चाट मसाला अमचूर पाउडर नहीं है तो आप आधा चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मैंने ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दी है। इन सभी को अच्छे से मिला देंगे। इसको डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू का।
लास्ट में मैंने गरम मसाला डाला है आधा चम्मच। इन सभी को बहुत अच्छे से मिला देंगे और आलू की स्टफिंग हमारी बनके रेडी हो जाएगी। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इसको कवर करके जस्ट 2 मिनट के लिए हमें पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पकाना है। 2 मिनट हो गए हैं, आलू की स्टफिंग हमारी एकदम से रेडी हो गई है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा कर लेंगे। चलिए फिर हम अपने आटे की तरफ जाते हैं। इसको मैंने निकाल लिया प्लेट में। देखिए आटा भी हमारा हल्का सॉफ्ट हो गया है। इसको एक बार अच्छे से एक बार फिर से मसल लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। आटा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम चलेंगे समोसा बनाने के प्रोसेस में। आप हिसाब से अपने बड़ा या छोटा समोसा बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज का समोसा बनाऊंगी। एक पेड़ा ले लिया है मैंने, अब इसको मैं बेलूंगी। इसको एकदम राउंड शेप नहीं देना है, हल्का सा एग शेप में देना है। बिल्कुल इसी तरीके से बेल के रेडी कर लूँगी मैं। इसमें आपको ऊपर से मैदा या और भी कोई आटा डस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे बहुत अच्छे से बेल जाएगा। ये देखिए मेरा आटा बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसको कट करूँगी। बिल्कुल इसी तरीके से मैं आपको समोसा बन के दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं। ये मैंने पानी ले लिया है, पानी को साइड से लगा लेंगे और इसको ऐसे ही फोल्ड करके आपस में अच्छे से चिपका लेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से। अब इसमें आलू की स्टफिंग डालेंगे। ये देखिए आपके समोसे में जितनी आलू की स्टफिंग आए आप उतना यूज़ कर लीजिएगा। मैंने डाल दिया है। अब इसको जस्ट पीछे से ऐसे फोल्ड करेंगे, पानी लगा लेंगे। इसको ऐसे फोल्ड करना है पीछे से, बिल्कुल इसी तरीके से, और आगे से लाके एकदम इसको प्रेस कर देना है, बिल्कुल इसी तरीके से। देखिए हमारा समोसा कितना अच्छा शेप में आया है। बिल्कुल इसी तरीके से समोसा बनाना है। मैंने सारे समोसे बना लिए हैं। अब चलते हैं इसको फ्राई करने के प्रोसेस में। ऑयल रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। मैं थोड़ा सा आटा डाल के देखूंगी ऑयल कितना हमारा गर्म है। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं इसको फ्राई करना है, ऑयल भी हमको मीडियम ही गर्म चाहिए। अब मैं इसको निकाल लूँगी। ऑयल हमारा सही से गर्म है, इससे ज़्यादा हाई फ्लेम पे ऑयल हमें नहीं गर्म करना है। अब मैं इसमें समोसे डाल दूँगी। बाकियों के समोसे भी मैं डाल दूँगी। और इसको मीडियम से लो फ्लेम पे ही फ्राई करना, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है, नहीं तो आपके पूरे समोसे में बबल्स आ जाएंगे और आपका समोसा बाहर से तो पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करिएगा। इसको पलट पलट के मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैं सारा समोसे को फ्राई कर लूँगी। इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देखिए समोसा हमारा ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिएगा।
समोसा हमारा फ्राई हो गया है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। अगर आपको पसंद आएगी ये रेसिपी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। देखिए मैंने समोसे को सारा निकाल लिया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी समोसा बन के रेडी हुआ है। इस फेस्टिवल आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। समोसा हमारा बन के एकदम से रेडी हो गया है। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी दिवाली।